धन्यवाद धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं विशेष तौर से बीपीएल सूची के संबंध में आज यहां पर विषय उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2001 में एक बीपीएल सूची तैयार की गई थी और उस सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। जो उस सूची के बनाते समय जो वास्तव में जिनको उस सूची में शामिल किया जाना चाहिए था वो बहुत बड़ी संख्या में छूट गए और जिन्हें शामिल नहीं होना चाहिए तो उसमें शामिल कर लिए गए। इसके कारण से भारत सरकार सहित प्रदेश सरकारों की जो एक बहुत बड़ी सुविधा बीपीएल सूची में जिनके नाम आए हैं उनको जो मिलती है वह तो संपन्न लोगों को मिलती जा रही है। वास्तविक रूप से जो गरीब है उन गरीबों को बीपीएल सूची में नाम नहीं होने के कारण उनको वह सुविधा नहीं मिल पाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से विशेष तौर से मेरा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र इलाहाबाद जनपद कौशाम्बी जनपद यहां मैंने प्रत्यक्ष तौर से देखा है, गांव-गांव में वास्तव में गरीब पूरी तरह से छूट गए हैं। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि 2001 की जो बीपीएल सूची तैयार की गई है उसे निरस्त कराया जाए और उसको निरस्त करके नए सिरे से बीपीएल सूची तैयार कराई जाए और जो कर्मचारी इस काम में लगाए जाए जो पीछे भ्रष्टाचार के जिसके कारण गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, आगे जो सूची तैयार कराई जाए उस सूची को तैयार करने वाले कर्मचारियों के बाद उसकी क्रॉस चेकिंग कराई जाए। अगर कोई कर्मचारी बीपीएल सूची तैयार करने में भ्रष्टाचार करता है, गड़बड़ी करता है, वास्तविक गरीबों को छोड़ता है तो उसको सेवा से बर्खास्त करने का प्रावधान भी किया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सूची मैं गांव के अंदर गया हूं, बहुत सारे माननीय अध्यक्ष जी ऐसे गरीब हैं जिनको आवास की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा, भोजन नहीं मिल पा रहा, आवास नहीं मिल पा रहा, कोई बीमार है तो उसको दवा की सुविधा नहीं मिल पा रही बीपीएल सूची में नहीं होने के कारण, लेकिन वास्तविक रूप से वह गरीब है। दूसरा, 2001 की सूची और 2015 इतने समय लंबे अंतराल के बाद 14-15 वर्ष के अंतराल के बाद जो वास्तव में कोई बीपीएल था वो एपीएल और उससे ऊपर भी पहुंच गया है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 2001 की बीपीएल सूची को निरस्त करके नए सिरे से तैयार कराई जाए और वास्तविक रूप से गरीबों को सूची में शामिल किया जाए। मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत।